हाईवे पर बस मेहदीपुर बालाजी जा रही थी, जो कोई एबी रोड पे कैनाल ब्रिज के आसपास पलटी गई है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी, एक बस पलटी है। तदुपरांत मेरे द्वारा 108 के नोडल को खबर की गई। 100 नोडल ने वहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ भिजवाई, जिससे वो लोग यहाँ पे अस्पताल में आए हैं। अस्पताल में आने से पहले डॉक्टरों को भी कॉल करके बता दिया गया था कि एक बस पलट गई है, जिसमें 40-50 लोगों के आने की संभावना है। तो मेरे यहाँ आने से पहले सभी डॉक्टर्स यहाँ पे थे, और एक दो डॉक्टर्स को मैंने बुलवाया और एग्जामिन करने पे पाया कि किसी भी पेशेंट को कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, सबको साधारण प्रकृति की चोटें हैं, खरोच, लेसरेशन और सूजन वगैरह है, और इस एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लगभग 40 के करीब यात्री घायल हुए हैं। श्रद्धालुओं की बस थी जो मेहंदीपुर बालाजी जा रही थी, ग्वालियर से मेहंदीपुर के लिए रवाना हुई थी। यहाँ से खरोदा पुलिया नहर के पास में किसी कारण से पलट गई है, जिससे 30 से 40 लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए हम लोगों ने यहाँ से अस्पताल में भर्ती कराया है, और सभी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की टीम द्वारा उनका अच्छे से अच्छा उपचार किया जा रहा है, और उनको अच्छे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कुछ पता चला सर, क्या कारण थे बस पलटी? ये अभी तो नई जानकारी मिल पाई है, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगेगा कि किस कारण से बस पलटी। गंभीर घायल तो नहीं हुआ सर? नहीं, अभी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चोटें अधिक आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है।